दोस्तों आज की दुनिया में सभी की अपनी अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं और सभी उन्हें जल्द से जल्द फुलफिल करना चाहते हैं। अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें रिच और सक्सेसफुल होने की जरूरत है और हम सभी एक सक्सेसफुल एंड रिच लाइफ चाहते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाते और हार मान लेते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, अगर हम खुद पर भरोसा रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सभी के अंदर रोज कुछ अच्छे और कुछ बुरे, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं, जो कि एक आम बात है, लेकिन आप इनमें से किस पे फोकस करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जब आप नेगेटिव थॉट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आप वही करने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स को भुलाकर हर सिचुएशन में पॉजिटिवली सोचने से आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी छोटी लगने लगती है और हम आसानी से उसका सलूशन ढूंढ पाते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ को सक्सेसफुल और रिच बनाने में बहुत मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि हम जो भी पाना चाहते हैं उसके बारे में मैनिफेस्ट करें, सोचें, उसे इमेजिन करें और जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है और जल्द ही आप उसे हासिल कर लेते हैं। जब हम अपने गोल के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं और उसे इमेजिन करते हैं तो कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो हमारे गोल के वाइब्रेशन से मैच होकर हमें उसकी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम ये डिसाइड करें कि हमें जल्द से जल्द ठीक होकर अपने गोल को पाना है, जिससे हमारी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिलीज होते हैं, जिससे हमारी डिजीज जल्दी ठीक होने लगती हैं। इसीलिए हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से फुलफिल रखें और निगेटिविटी को अपने माइंड में ना आने दें। ये हमारी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसे अचीव करने के लिए जब हम वाइब्रेशंस को रिलीज करते हैं तो वो चीज हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगती है और हम उसे इजिली अचीव कर लेते हैं। अगर हमें अपनी सही नॉलेज चाहिए कि हम कैसे हैं, हम में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, तो वो हमें दूसरे लोग बहुत अच्छे से बता देते हैं। हम लगातार हमारी बुराइयां और अच्छाइयां सुनते रहते हैं, जो कभी कभी हमें बहुत ज्यादा हर्ट भी कर देती हैं। लेकिन हम लोगों के कमेंट्स पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई हमारी 10 तारीफ भी कर दे, फिर भी एक बुराई कर दे, तो हम उन गुड मोमेंट्स को भूल जाते हैं और हमें सिर्फ वो एक नेगेटिव कमेंट ही याद रहता है कि यार ये क्यों बोला। नेगेटिव थिंग्स के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। हम उसके लिए आगे क्या एक्शन लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम अपनी वीकनेसेस को दूर करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ उन बुराइयों, वीकनेसेस और नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी अपना घर बना लेगी और हम डिप्रेस्ड और टेंशन में ही रहेंगे, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा माइंड नई नई चीजों और आइडियाज के बारे में नहीं सोच पाते हैं और उन नेगेटिविटी में ही उलझ जाते हैं। ह्यूमन के बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन कई बार हम किसी एक इमोशन में ज्यादा रहने लगते हैं और हम जब परेशान होते हैं तो हमारे अंदर एंगर, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, जो किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए खुद को स्टेबल रखना होगा। जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। एंगर हमारी ग्रोथ में एक बैरियर की तरह काम करता है जो सिर्फ हमारी मुश्किलों को बढ़ाता है। गुस्से में हमारे माइंड को पूरी तरह से काम नहीं करने देता और जल्दी से कई बार गलत डिसीजंस ले लेता है। हम सभी की वॉन्ट्स, विशेस, गोल्स अलग अलग होते हैं। हम सभी खुद को अलग अलग लेवल तक रिच बनाना चाहते हैं। जैसे अगर किसी के पास कार है और घर नहीं है तो वो खुद को इतना रिच बनाना चाहेगा कि उसके पास कार हो, घर हो, लेकिन जिसके पास ये पहले से है वो खुद को और रिच बनाने के लिए एफर्ट्स करेगा। मनी एक ऐसी चीज है जो इंसान के पास जितनी होना उतनी ही कम लगती है, क्योंकि हमारी विशेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर हम कभी हमारी विशेस को पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे और अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग मनी रिसीव करते हैं और दूसरे वो जो अपने गोल मनी के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इस दुनिया में कई अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको रिच बना सकती हैं, बस आपको उन अपॉर्चुनिटीज को पाने में काबिल बनना होगा। किसी बड़े पेड़ की शुरुआत एक बीज से होती है,
और फिर धीरे 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 रेगुलर खाद और पानी से वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। आपका डिजायर आपका बीज का काम करता है और अगर आप उसे रेगुलर मेहनत करते हैं तो आप एक दिन बहुत बड़े बन जाओगे। लेकिन जैसे एक छोटे पौधे को ज्यादा स्ट्रगल करना होता है, उसी तरह जब हम ग्रो कर रहे होते हैं और इनिशियल स्टेज में होते हैं तो हमें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहें उतना इनहेंस कर सकते हैं। जब आप कोई गोल फिक्स करते हैं या एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं और हम उसे ही अपनी लिमिट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रियल में ये सिर्फ हमारा ही क्रिएट किया हुआ गोल है जिसे हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।